राजस्थान में कल यानी 10 अप्रैल को सभी पेट्रोल पंप बंद होंगे। एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्रदेश में 10 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल का निर्णय लिया है। दरअसल एसोसिएशन सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर की गई अप्रत्याशित वैट वृद्धि का विरोध कर रहे हैं और विरोध स्वरूप 10 अप्रैल को एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया। इसके साथ ही चेतावनी दी गई और कहा गया कि यदि सरकार इसके बावजूद भी कोई निर्णय नहीं लेती है तो 25 अप्रैल से देश भर में पेट्रोल पंप पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर की गई वैट वृद्धि के विरोध में 10 अप्रैल को एक दिन की और 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय दिया। एसोसिएशन ने बताया कि 10 अप्रैल को सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक प्रदेश के पेट्रोल पंप पर किसी भी तरह की खरीद और बिक्री नहीं होगी। ऐसे में प्रदेश के लगभग 7,000 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस हड़ताल के कारण लगभग 3 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बिक्री प्रभावित होगी, जिससे सरकार की रोड सेस सहित 34 करोड़ के राजस्व की हानि होगी। इससे पहले एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देकर राजस्थान में वैट पंजाब के समान कम करने की मांग की गई थी और वार्ता के लिए समय मांगा गया। ऐसे में एसोसिएशन का कहना है कि ना तो सरकार से वार्ता के लिए बुलाया गया और ना ही इस संबंध में कोई फैसला लिया गया। इस कारण पेट्रोल पंप डीलर्स को अपनी आजीविका बचाने के लिए मजबूरन हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा है। राज्य सरकार ने अब तक पेट्रोल पर वैट 26% बढ़ाकर 38 और डीजल पर 18 से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इस प्रकार डीजल पर कुल 10% और पेट्रोल पर 12% की वृद्धि हुई है। इसमें पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6% की वैट वृद्धि केवल और केवल कोरोना काल में की गई। हालांकि सरकार ने राज्य की जनता को राहत देते हुए 2% वैट कम किया, लेकिन इससे आमजन या व्यापारियों को कोई सार्थक लाभ नहीं हुआ और महंगाई जस की तस। सरकार द्वारा की गई इस वैट वृद्धि ने आमजन और पेट्रोल डीजल से संबंधित सभी व्यापारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में मजबूरन अब एसोसिएशन ने कल पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।